नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पूर्व कृदंत में आगे का प्रकरण, जिसमें हमारा सूत्र है गे हे कह। देखिए कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, गे हे कह। यह सूत्र ये कहता है गेह के कर्ता होने पर, क्या है विद्यार्थियों, गेह के कर्ता होने पर तो देखिए क्या कहता है, गेह के कर्ता होने पर ग्रह धातु से का प्रत्यय होता है, यह है विद्यार्थियों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें जो हमें सिद्धि करनी है वह सिद्धि देखिए, सिद्धि है विद्यार्थियों इसमें ग्रहम। ये शब्द है विद्यार्थियों ग्रहम, और ग्रहम में आप करेंगे देखिए, आप लिखेंगे गृह प्लस का, और सूत्र लिख देंगे आप गे हे कह। यही सूत्र है विद्यार्थियों गे हे कह। सूत्र से का प्रत्यय आ जाएगा आगम, उसके बाद इस का के इसका लोप कर लेंगे, आ रह जाएगा, सूत्र लिख देंगे आप लसक क्व तद्धिते। सूत्र से लसक को तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा, तस्य लोपः सूत्र से ककार लोप। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा विद्यार्थियों, फिर आप क्या करेंगे इसकी संप्रसारण संज्ञा कर लेंगे, और सूत्र लग जाएगा आपका, एक सूत्र है विद्यार्थियों इस पूरा देख लेना, ग्रही जा वही, ग्रही जा वही। सूत्र से ग्रह को संप्रसारण करने पर, इसके बाद देखिए ये दो वर्णों में पूर्व रूप हो जाएगा, और आप लिखेंगे और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों संप्रसारणाच। सूत्र से पूर्व रूप करने पर
अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप देखेंगे अब इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका गृह और परिभाषा वो है आपके पास अधीनम परेण संयोज्यम। इससे संयोग हो जाता है और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे आपका बन जाएगा ग्रहम। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिख देंगे नीचे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। अब देखिए एक सूत्र है कर्मण्यण, ये सूत्र है विद्यार्थियों। कौन सा सूत्र है? कर्मण्यण। तो कर्म उपपद रहने पर धातु से इसका अर्थ क्या है? कर्म उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। यह है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि जब कर्म उपपद होगा तो धातु से कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? अण प्रत्यय आ जाएगा। अब देखिए देखिए जैसे आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको सिद्धि करनी है कुंभ आपको सिद्धि करनी है कुंभकार, ये सिद्धि करनी है विद्यार्थियों। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे? कुंभ प्लस अम प्लस क्री प्लस अण और सूत्र लिख देंगे आप कर्मण्यण। सूत्र से अण प्रत्यय। फिर उसके बाद विद्यार्थियों अगले इस अणा का लूप कर लेंगे, कुंभ प्लस अम प्लस क्री प्लस अ और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों हलंत्यम। सूत्र से ण की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से ण का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जब इसका लोप कर देंगे तो हम इस क्री को वृद्धि कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका कार। आप लिखेंगे कुंभ प्लस अम प्लस कार प्लस अ और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों अचूर्ण नीति। से री को आर वृद्धि ठीक है विद्यार्थियों, जब इसकी वृद्धि हो जाएगी
और जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तब आप क्या है, अगली जो स्थिति बनाएंगे, अगली स्थिति क्या बनाएंगे, इस अम को कर लेंगे षष्ठी, और ये हो जाएगा आपका कुंभ प्लस गस प्लस कार प्लस अण, अण ही बोलेंगे विद्यार्थी इसको, आ नहीं बोलेंगे, और आप सूत्र लिख देंगे कर्तृ कर्मणोह कृति। सूत्र से कर्म को षष्ठी करने पर यह है विद्यार्थियों, फिर आप क्या करेंगे जब इसकी षष्ठी हो जाएगी तो फिर इसका समास कर लेंगे, और ये स्थिति होगी कुंभ प्लस गस प्लस कार प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा उपपदम अतिंग। सूत्र से उपपद समास। फिर देखिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कुंभ प्लस गस प्लस कार प्लस अण, और सूत्र लिख देंगे आप कृतद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा ठीक है विद्यार्थियों, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ स्थिति। अब देखिए आप क्या करेंगे, कुंभ कार प्लस आ, और सूत्र लिख देंगे सुपो धातु प्राते पदकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, सुप कौन सा था, गंस का लोप। अब उसके बाद देखिए जब गंस का लोप हो जाएगा तो इसको जोड़ लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कुंभ कार, और आप परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोजम, और आप विभक्ति कार्य कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कुंभकार। आप लिख लीजिए विद्यार्थियों इसको।
आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों आतो अनुपसर्गे कह, आतो अनुपसर्गे कह, इसका अर्थ है विद्यार्थियों उपसर्ग रहित आदंत धातुओं से, धातु से क्या अर्थ है, उपसर्ग रहित आदंत, आदंत का मतलब होता है जिसके अंत में दीर्घ आ हो, क्या कहते हैं उपसर्ग रहित आदंत धातु से, आदंत धातु से कर्म उपपद रहने पर, पर क प्रत्यय होता है। पहले क्या था विद्यार्थियों अण प्रत्यय था और इसमें क्या है क प्रत्यय है। अब देखिए इससे जो शब्द बनेंगे, एक तो बनेगा इससे शब्द गोद, कौन सा बनेगा गोदहा, और जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए आप शुरुआत करेंगे गो प्लस अम, गो प्लस अम प्लस दा प्लस का, इस प्रकार से आप ये प्रत्यय ले आएंगे और ये सूत्र लिख देंगे यहाँ आतोप, आतो अनुपसर्ग, ठीक है विद्यार्थियों। एक इसमें बनेगा आपका धनदह, कौन सा है धनदह, इसमें आप करेंगे धन प्लस अम प्लस द प्लस का, सूत्र यही लग जाएगा। इसी प्रकार से है एक आपका कंबल दह, और आप इसमें जब करेंगे तो आप लिखेंगे कंबल प्लस अम प्लस द प्लस का, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये गोदह वाली सिद्धि आपको पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आपकी परीक्षा नज़दीक है, जितने से जितने ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ये ऐसा वर्ष है आपका कि हो सकता है आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएं, क्योंकि आपको केवल 50 नंबर का करना है विद्यार्थी, और ये 20 नंबर का टॉपिक मैं कराए दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको व्याकरण महाभाष्य के 4% दे ही दिए हैं और एक वेदों पर निबंध दे दिया है, तो 20 नंबर का तो वेद पर निबंध हो गया, उसके बाद 15 नंबर के वो प्रश्न हो गए, और 15 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके अलावा 20 नंबर का ये टॉपिक है हमारा, जिसमें कृत्य प्रक्रिया पढ़ चुके हैं और ये हम पूर्व कृदंत पढ़ रहे हैं, चार पांच क्लास होंगी तो इनसे ये हमारा प्रकरण हो जाएगा पूरा। फिर मैंने आपको बता दिया था कि कारक जो सूत्र होते हैं विद्यार्थियों, कारक सूत्रों की मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से करना, कारक आप शुरू से करते आए हैं, सरल पढ़ेंगे आपको तो कारकों को कर लें आप। जैसे मान लीजिए कारक सूत्र है एक भीतरार्थानाम भय हेतु, के भय अर्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में जिससे रक्षा की जाए और जिससे भय हो उसमें पंचमी विभक्ति आती है,
जैसे बालक चोरात बिभेति। इस उदाहरण में बालक चोर से डरता है, इसलिए बालक में पंचमी विभक्ति आती है। इतना हमको लिखना है और आपने पढ़ रखे हैं, इस प्रकार से आप लिख लें। और परीक्षा से 4-5 दिन पहले मैं आपको कुछ समास के भी उदाहरण उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप इसी चीज़ को कंप्लीट करें। मैंने आपको जो बताया है, एक तो कारक सूत्र हैं, 15 या 20 नंबर के होंगे, एक 15 नंबर का प्रश्न हो गया, एक 20 नंबर का निबंध हो गया, और ये कृत्य और पूर्व कृदंत। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।